नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ में स्पीकर हैं, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल जी हैं। सर गोयल साहब, क्या अब गिरफ्तारी हो गई है? क्या किस तरीके से, क्या सड़कों की लड़ाई होगी, कानूनी लड़ाई होगी, किस तरीके से विरोध करेंगे? सर देखिए, ये पार्टी निर्णय करेगी क्या लड़ाई। हाँ। मैं स्पीकर हूँ। हाँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ। हाँ। इस गिरफ्तारी के विरोध में खड़ा हूँ जी। मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले जी। तो क्या वही इससे पहले आपसे सवाल पूछ रहा था, क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है, सरकार को लेकर किसी तरह के संकट मुखिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हैं और दिल्ली सरकार के भी हैं। सरकार पर कोई संकट नहीं है। हाँ। सरकार चलेगी। हाँ। केजरीवाल जी आज मुख्यमंत्री, जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से ही चलाएंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे। कोई इस्तीफा नहीं। देखिए स्पीकर है, स्पीकर है दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल, और यहाँ पर साइड में खड़े हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देखे सड़क को किस तरीके से इस समय ब्लॉक कर दिया, इस तरफ इधर रवि की तरफ सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। अरुण आपकी तरफ क्या हो रहा है? देखिए जैसे कि तस्वीरें दिखा रहा था मैं, अब और ज्यादा मुस्तैद हो गई है दिल्ली पुलिस। यहाँ पर देखिए ड्रोन यहाँ पर भी आ गया किशोर, तो ड्रोन यहाँ पर भी है, और जिससे निगरानी की जा रही है लगातार कि जो लोग आ रहे हैं अगर दूर से भी आ रहे हैं तो उनकी निगरानी हो सके, न सिर्फ उनके चेहरे रिकॉर्ड किए जा सके बल्कि उनकी संख्या का भी पता लगाया जा सके। अरुण आपकी तरफ रोड क्लियर है? आपकी तरफ रोड क्लियर है? देखिए किशोर मैं वही दिखा रहा था आपको, देखिए ये जो रोड है एक एक तरफ से छोड़ा जा रहा है, कुछ गाड़ियां छोड़ी जा रही हैं एक तरफ से, फिर जब ये ट्रैफिक निकल जाता है तो दूसरी तरफ से गाड़ियां छोड़ी जाती है। अभी यहां पर एक तरफ से जाम की स्थिति है। देखिए आप दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए, जो पुलिसकर्मी है वो ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, यहां पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी वो नहीं है, सिविल पुलिस जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट पे लगी। देखिए यहां से लेके वहां तक, इससे ये इशारा जरूर मिल रहा है। आगे भी देखिए तो वहां पर जो पुलिसकर्मी है वो एक एक स्कूटर में एक एक कार के अंदर झांक के देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप कहां से आ रहे हैं, कहां आपको जाना है। यानी अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक है तो उनको यहां पर खड़े होने या रुकने नहीं दिया जा रहा है। पुलिसकर्मी लगातार ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, पुलिसकर्मी काफी संख्या में यहां बुलाए भी लिए गए हैं, और अधिकारी भी लगातार आ रहे हैं किशोर, लगातार उच्च अधिकारी आ रहे हैं। ये बड़े अधिकारियों का लगातार अरविंद केजरीवाल के घर में पीछे वाले गेट से देखिए यहाँ पर जाना, ये गेट लगातार ओपन रखा गया है ताकि अगर अचानक से इससे मूवमेंट करनी हो तो बहुत ज्यादा हर्डल ना हो। हम लोगों को भी बार बार ये ताकीद की जा रही है, और हम तो ये साफ दिख रहा है, ये दिख रहा है कि उस तरफ जो आगे की तरफ जहाँ पर जावेद मौजूद है, जहाँ पर रवि मौजूद है, वहां से तो ले जाना बहुत मुश्किल होगा। जब इनको ले जाया जाएगा गिरफ्तारी के बाद तो वो पीछे के गेट से ही ले जाया जाएगा जहाँ पर अरुण खड़े हैं, वही एक तरीका दिख रहा है, और तो कोई रास्ता है नहीं। जावेद आपकी तरफ क्या हो रहा है? देखिए दिल्ली पुलिस को जिस बात की आशंका थी कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टियों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई देगा, अब वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिविल लाइन की मुख्य सड़क है, और आप देखिए कार्यकर्ताओं ने इसको पूरी तरह से जाम कर दिया है, अलग अलग टुकड़ियों में इस सड़क पर कार्यकर्ता बैठ गए हैं। आज आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि उनके सबसे बड़े नेताओं को आज गिरफ्तार किया है, और तमाम जो मंत्री है कार्यकर्ता है वो सड़क पर उतर गए हैं। ये हंगामा कितनी देर चलेगा, कार्यकर्ताओं का रिएक्शन अब आने वाले टाइम में क्या होगा क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है। ये तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, और देखिए ट्रैफिक की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो दूसरी तरफ जो ट्रैफिक है उस पर फर्क पड़ रहा है। एक लेन मतलब ये समझिए कि ट्रैफिक बंद हो चुका है, सिर्फ एक लेन से ही ट्रैफिक, एक ही लेन पर ट्रैफिक चल रहा है। यहाँ आतिशी भी मौजूद है, आतिशी मौजूद है, मैं आपको तस्वीर एक बार बात की कोशिश करेंगे, लाइव हमारे साथ है आतिशी। आतिशी क्या कहना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगे, अब अरेस्टिंग हो गई है? देखिए शाम भर से बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले थे, जितनी भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी, जितनी भारी संख्या में यहाँ पे अर्धसैनिक बल मौजूद था, तो ये साफ है कि ये एक साजिश थी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की। लेकिन सड़कों पर आप उतर गए, प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, अब तो अरेस्ट कर लिया है? देखिए अरविंद केजरीवाल की लड़ाई सिर्फ उनके जेल जाने से नहीं रुकेगी। अरविंद केजरीवाल एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से ये लड़ाई लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल के सिपाही उसी तरह से इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अरेस्टिंग के बाद इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जावेद पूछिए क्या ये सारी सड़कें जाम कर दी जाएंगी या सड़कें छोड़ेंगे, क्योंकि अगर गिरफ्तार करके ले गए तो उसके बाद कार्यकर्ता क्या यहीं बैठे रहेंगे और बाकी ट्रैफिक रोकना पड़ेगा? नहीं मिला, ये तो बड़ा आसान है, विपक्ष के हर नेता को जेल में डाल दो। गिरफ्तार करके ले जाएंगे, कार्यकर्ता यहीं बैठे रहेंगे, किस तरह का उस टाइम देखिए, अभी देखते हैं कितनी देर में गिरफ्तार करके लेके जाते हैं, अभी तो घर से नहीं निकले।
देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम आला नेता जो है वो सड़क पर मौजूद है, खुद मंत्री है, तमाम मंत्री मौजूद है, विधायक मौजूद है, जो लोकसभा के कैंडिडेट है वो मौजूद है। तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर सिविल लाइन में आम आदमी पार्टी का चल रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। अब आगे किस तरह से इसको धरने प्रदर्शन के जरिए कितना आगे तक ले जाती है आम आदमी पार्टी वो देखना होगा, क्योंकि हमने देखा है संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के वक्त भी बड़ा शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की। हाँ, लेकिन शक्ति प्रदर्शन अभी तो ट्रैफिक में हो रहा है, अभी शक्ति प्रदर्शन जो हो रहा है वो सरकार वो सड़क पर हो रहा है और वो सड़क जो है वो जैम हो गई है सामने सिविल लाइन की। क्या अरविंद केजरीवाल को जब ले जाते हैं तो ये सड़क खाली कर दी जाएगी। अरुण के पास चलते हैं। अरुण पीछे के गेट पे है। अरुण क्या हो रहा है वहां पे? देखिए किशोर, यहाँ पर भी मजमा लगना शुरू हो गया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ भी इकट्ठा हो गए थे, इसीलिए पुलिस देखिए यहाँ पर लगभग 20 मीटर दूर आई है और काफी संख्या में पुलिस यहाँ पर आई है और सबको ये कह रहे हैं कि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, अनाउंसमेंट हो रही है, आप यहाँ से जाइए और अगर आप नहीं जाएंगे, एक मिनट आप इधर आए, अगर आप, मैं एक बार विजुअल दिखा दूँ फिर आपसे बात करता हूँ। इसके बाद अगर वो कह रहे हैं यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम आपको डिटेन करेंगे या फिर अरेस्ट भी कर सकते हैं, इसलिए देखिए धीरे धीरे ये जो कार्यकर्ता है वो जा रहे हैं दूर की तरफ। तो कुछ कार्यकर्ता जो पिछले गेट पे हैं वो पुलिस का जो ऑर्डर है, पुलिस जो कह रही है उसको सुन भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा लगातार सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और धीरे धीरे वो जा रहे हैं क्योंकि पुलिस उनसे कह रही है कि यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, यहाँ रुक नहीं सकती, आप अभी वहां थे वहां से यहाँ आ गए, आप वहाँ थे वहाँ से यहीं खड़े, यहीं खड़े हम कहाँ जा रहे हैं? आप तो वहाँ थे ना? हाँ तो यहाँ खड़े ना, दिल्ली पुलिस कर रही है। बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है, आप ये बुलियान कहते हैं बीजेपी चोर है, तो वो क्या चोर है? वोट चोर है, मोदी है, ऐसे हम रहे तो वो भाग रहा है। ऐसे ये जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये यहाँ पर लगातार उधर अमित पांडे के पास चलते हैं, ये पीछे की तरफ भी अब हंगामा शुरू हो गया। अमित आपकी तरफ क्या हो रहा है? देखिए इस वक्त ताजा खबर यह है कि आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पे तैनाती हो चुकी है और इनको दिल्ली पुलिस की ओर से स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी वक्त मूवमेंट हो सकता है और एकदम अलर्ट मोड में ये खड़े हैं, चाहे महिलाओं चाहे पुरुष जवानों। ये ताजा खबर यह है कि रैपिड एक्शन फोर्स की जो तैनाती है वो केजरीवाल के घर के सामने हो चुकी है और इनको अहम इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिल चुका है। और दूसरा जो हम लगातार आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं, ये पुलिस वालों की तादाद सुरक्षा यहाँ पर लगातार ही बढ़ती जा रही है, तो किसी भी वक्त केजरीवाल आपसे निकल सकते हैं। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक अरेस्ट मेमो उनको दिखाया गया है, अरेस्ट मेमो उनको पढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि क्या उनकी गिरफ्तारी का ये आधार है। जी हाँ, हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल की, वो आज की तस्वीरें नहीं है, ये पुरानी तस्वीरें, ये क्लियर कर दें कि लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये साफ है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंदर अभी वो प्रक्रिया चल रही है, वो अभी अपने घर में ही मौजूद है, लेकिन उनके घर से उनके निवास से उनको ले जाया जाएगा, ये भी साफ दिख रहा है। सड़कें जो हैं दोनों तरफ की, आगे और पीछे घर की, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, पीछे की तरफ अभी थोड़ी कम है और वहां से पुलिस उनको हटा रही है। आगे की तरफ कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए हैं और जैम लग गया है, वहां से पुलिस अभी हटाने की कोशिश भी नहीं कर रही है, वहां पर अभी मजमा लगा हुआ है। हालांकि धारा 144 वहां पर लागू है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल, और ये साफ कह दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। और ये भी दिख रहा है कि ये सड़कों पर आंदोलन धरना प्रदर्शन के जरिए आम आदमी पार्टी इसको आगे बढ़ाएगी। अभी यहां पर जब तक अरविंद केजरीवाल अपने घर में मौजूद हैं, ये धरना वहां पर घर के बाहर सिर्फ तभी तक रहेगा या उसके बाद भी जारी रहेगा जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा, ये अभी देखना होगा। विक्रांत, ये अपनी रणनीति जो है आम आदमी पार्टी की साफ दिख रही है कि पूरे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करो। देखिए दो तीन अपडेट भी किशोर में उससे पहले दे दूं। देखिए कार्यकर्ताओं को अपडेट, कार्यकर्ताओं को तो सब आह्वान कर ही रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन दो तीन महत्वपूर्ण अपडेट हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल को सीधा ईडी के दफ्तर ले जाया जाएगा। अच्छा। आमतौर पर जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो पहले उसका मेडिकल करवाया जाता है, उसके बाद जांच एजेंसी अपने पास ले जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, 144 दिल्ली में कई जगह लगाई गई है, सीधा उन्हें ईडी के दफ्तर ले जाया जाएगा। वहीं पर आरएमएल से डॉक्टर्स की टीम आएगी जो उनका सबसे पहले मेडिकल करेगी और मेडिकल होने के बाद ही पूछताछ शुरू होगी। ये भी ईडी के सूत्रों का कहना है कि करीब 2 घंटे की पूछताछ हुई, अरविंद केजरीवाल कई सवालों के जवाब में इवेसिव रहे और जो उनकी पूछताछ हुई 2 घंटे की उसमें कई सवालों के जवाब नहीं दिए,
सेटिस्फाइड नहीं हुई ईडी की टीम, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस समय उनकी अरेस्टिंग का ग्राउंड उन्हें बताया जा रहा है, उनको पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। और पीएमएलए कानून में ये जरूरी हो जाता है कि जब भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कई आदेशों में, उसी के मुताबिक आरोपी क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अब गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, तो उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जा रहा है। और अब कुछ देर बाद उनको अरेस्ट मेमो पर साइन करके वहां से निकाला जाएगा, सीधा ईडी दफ्तर ले जाएगा। और कल सुबह उन्हें जो राउज एवेन्यू है, एमपी एमएलए कोर्ट है, पीएमएलए की विशेष कोर्ट है, वहां पर उन्हें पेश किया जाएगा। और दो जो मुझे जो दूसरी जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण पता चली है कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज रात को सुनवाई होने की उम्मीद अब लगभग ना के बराबर है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह अर्जेंट मेंशनिंग उनकी टीम की तरफ से की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि मुख्य न्यायाधीश कल सुबह ही इस मामले को अर्जेंट तौर पर, यानी आज की रात तो यानी कि कस्टडी में ही रहने वाले अरविंद केजरीवाल ही बिल्कुल क्लियर है। कुछ देर में उनको ईडी के दफ्तर ले जाया जाएगा और वहीं पर उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से, ईडी की टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है।